तो जब 8 बजे ऑफर आया तो मम्मी ऐसे, हम थोड़ा गांव के इलाके से हैं, तो मम्मी गाय को घास वगैरह दे रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने घास उस छोड़ा, मम्मी ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर पापा, फिर कुछ देर बाद पापा आए खेतों से, तो पापा भी बहुत खुश हो गए थे। तो मतलब रोने, थोड़ा रोने वाला माहौल हो गया था घर पे। भाई सीन ऐसा होता है कि टीयर थ्री कॉलेज में 70 से 80% बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं होते करने के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो उनमें से था। फिर थर्ड ईयर में आके थोड़ा होश आया कि अब कुछ करना है, क्योंकि घर भी जाने था, मम्मी पापा से आंख मिलाने की, काफी बार पैसे खर्च किए थे उन्होंने। और जब स्टार्ट कर रहा था, मुझे टीएलई का मतलब भी पता लगा कि टीएलई मतलब है क्या, कौन सा एरर आ रहा है। तो उनको मिला के मैंने 1200+ क्वेश्चन कर लिए थे। तो उस वक्त हाँ मुझे लग गया था कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा हाय गाइस, मैं निशांत चारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। यार आज के वीडियो में हमारे साथ है रोहित नेगी, जिन्होंने इंडिया से 2.04 करोड़ जो हाईएस्ट पैकेज है वो निकाला है। उबर वन का सिलेक्शन हुआ था, तुमने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, एंड ही इज विद अस। आज उनके साथ काफी सारी बातें करने वाले हैं। एंड तुम लोगों को शायद नहीं पता हो, ही वॉज फ्रॉम अ टीयर थ्री कॉलेज, उन्होंने गेट देके आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया था। एंड वो पूरी जर्नी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यार रोहित, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी हियर। हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित नेगी और मैं आईआईटी गुवाहाटी अंडर सीएससी का स्टूडेंट हूँ। और रिसेंटली मुझे उबर से एक इंटरनेशनल ऑफर मिला है, तो मैं इन चीज़ों में काफ़ी खुश हूँ। तो यही है मेरे बारे में छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। ठीक है यार, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो यार रोहित, एक बात बताओ, आपका जो लाइक रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि आपको उबर का ऑफर मिल गया है, वो भी लाइक हाईएस्ट पैकेज, वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस इन इंडिया, तो क्या रिएक्शन था? इसको मैं दो फेजेस में बताऊंगा कि पहले मुझे ऑफर आया था 6 बजे, सुबह के 6 बजे थे, तो मैं मम्मी के साथ लेट लगा था बैठ। तो 6 बजे मुझे पीओसी से आया कि रोहित तुम्हारा, तुमको उबर से एक ऑफर आया है। तो मैं खुश हो गया, उसमें मुझे पता नहीं था ये डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल है। तो मम्मी भी काफ़ी खुश थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिसर आता 8 बजे कॉलेज में, तो जब 8 बजे ऑफर आया तो मम्मी ऐसे, हम थोड़ा गांव के इलाके से, तो मम्मी गाय को घास वगैरह दे रही थी उस टाइम पे। और मैं थोड़ा वही मोबाइल चेक कर रहा था कब आएगा कब आएगा। जैसे आया मैं नीचे बैठ गया था उसी के। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने घास उस छोड़ा, मम्मी ने कहा मैं ये काम नहीं करूँगी। मम्मी बहुत खुश थी। फिर पापा, फिर कुछ देर बाद पापा आए खेतों से, तो पापा भी बहुत खुश हो गए थे। तो मतलब रोने, थोड़ा रोने वाला माहौल हो गया था घर पे, यही बात। अरे काफी बढ़िया, मतलब काफी अमेजिंग जर्नी रही होगी ना, कि एक टीयर थ्री कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, फिर गेट वगैरह की प्रिपरेशन करी, फिर फाइनली एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिला एंड एक हाईएस्ट पैकेज मिलना। तो एक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी जब आप डीएसए वगैरह पढ़ रहे थे, तो कैसे स्टार्ट किया पढ़ना? भाई जब मैंने डीएसए वगैरह शुरू करा था, तो डीएसए मैंने गेट के सिलेबस में कवर कर लिया था, कि गेट में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछा जाता है। तो मैंने फिर इसको दोबारा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी जब मैंने दोबारा स्टार्ट करा था। तो उसके बाद मुझे, मैंने प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो C++ आती थी, लेकिन HTML वगैरह मैंने दोबारा से सीखे थे वही यूट्यूब वीडियो वगैरह से। फिर मैंने एक वीडियो देखी थी कि लबर भाई की, गीग्स फॉर गीग्स को कैसे यूज़ करें एफिशिएंटली, ठीक है। तो वो मैंने देखा था, सो मैंने गीग्स फॉर गीग्स खत्म करा अच्छे से, मैंने बेसिक क्वेश्चन लगाए। तो इनिशियली तो बहुत सारे एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर, कंपाइलर एरर, तो पहले तो वो बहुत दिक्कत आती थी। और जब स्टार्ट कर रहा था, मुझे टीएलई का मतलब भी पता नहीं था कि टीएलई मतलब है क्या, कौन सा एरर आ रहा है। तो फिर उन चीज़ों को उससे सीखता गया, बढ़ता गया। फिर ऐसे मैंने जीएमजी में 600 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर मैंने प्रैक्टिस हो गई थी, अभी सिर्फ बेसिक लेवल ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई थी मुझे जीएमजी से। फिर लेवल बढ़ाया इंटरव्यू बिट पे, फिर इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन करे, तो इंटरव्यू बिट का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर लीड कोड के मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करे, वहाँ से और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर मैंने प्रीवियस ईयर लगाने शुरू करे जो पूछे जाते हैं, तो वो थोड़े सीपी टाइप के भी होते हैं, तो उनको मिला के मैंने 1200+ क्वेश्चन कर लिए थे। तो उस वक्त हाँ मुझे लग गया था कुछ ना कुछ हो जाएगा अच्छा। काफ़ी सही भाई, 1200 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सही में, मतलब मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम शायद 650 किए होंगे, बट 1200 तो बहुत ही ज़्यादा है, तो मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी आपने। अब यार ये तो डीएसए की बात हो गई, डीएसए थोड़ी कॉम्पिटिटिव वगैरह की थी वैसे कभी? नहीं, सीपी वगैरह करी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तो फोकस सिर्फ प्लेसमेंट था, सीपी नहीं करता। Okay. 23rd or 24th January को होने वाला है 9 PM।
अब इसमें 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके अलावा तुम रजिस्ट्रेशन फीस पे 50% ऑफ ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड निशांत50। मेरे जो लोग कोडिंग निंजास के बारे में नहीं जानते यार, कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे बहुत तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSN, C++, जावा, पाइथन। और जो तुम्हारे यार इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं वो IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है, एंड यार कोर्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़िया है तुम्हारा। तो यहाँ पे बहुत सारी हिंट वीडियोस मिल जाती है क्योंकि डाउट्स तो हम सबको आते ही हैं कुछ क्वेश्चंस करते टाइम। इसके अलावा यार 1-on-1 TA सपोर्ट वगैरह है तुम्हारा, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा मस्त है। उसके अलावा यार जो लोग भी स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद एनरोल कर रहे होंगे उन्हें AC और कोडिंग इंटरव्यू वाली बुक मिल रही होगी फ्री, एंड उसकी जो नॉर्मल कॉस्ट है दैट इज 1500, बिल्कुल तुम्हें फ्री मिल रही होगी, तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी वो। उसके अलावा यार विंटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी तुम्हें मिल रहा होगा। सो 23-24 जान को तुम्हारा ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर तुम किसी रीजन की वजह से 23 को नहीं दे पाते हो तो 24 को तुम दे सकते हो। 9 PM होने वाला है दोनों, एंड तुम रजिस्टर कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। और प्रोजेक्ट्स का क्या सीन था, मतलब कैंपस में आपने मतलब कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, उनका कुछ इंपॉर्टेंस था इंटरव्यू के टाइम? हाँ, कॉलेज में ही आके सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। एक फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाया था ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन का, काफी अच्छा प्रोजेक्ट था, सर ने बेसिक से शुरू कराया था। फिर सेकंड सेमेस्टर में आया तो एक चैट एप्लीकेशन बनाई फुली एंड टू एंड इंक्रिप्टेड टाइप का। फिर अभी मेरा प्रोजेक्ट है MTV के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मतलब बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट है। तो वही चला मेरे जो इंटरव्यू में, वही प्रोजेक्ट हुआ मुझसे सबसे ज्यादा डिस्कस ब्लॉकचेन के ऊपर। काफी बढ़िया यार, काफी सही। तो मतलब प्रोजेक्ट्स का इंपॉर्टेंस है, एंड एमटेक कर रहे थे तो साथ साथ काफी सारे प्रोफेसर के साथ भी प्रोजेक्ट बना रहे थे, खुद भी बना रहे थे, तो उसका काफी ज्यादा हेल्प हुआ। तो यार एक चीज बताओ कि जब आप एक अपने कॉलेज में थे बीटेक के टाइम पे, तो आपने प्लेसमेंट्स क्यों नहीं चूज करी? मतलब ऑफ कैंपस भी जा सकते थे, ऑन कैंपस भी बैठ सकते थे। उसके अलावा आपने गेट की प्रिपरेशन को प्रेफर किया, उसका कुछ रीजन था? क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं जो Tier 3, Tier 4, Tier 2 कॉलेजेस में होते हैं कि यार गेट के लिए प्रिपेयर करें या फिर प्लेसमेंट्स के लिए बैठे। भाई सीन ऐसा होता है कि Tier 3 कॉलेज में 70-80% बच्चे बिल्कुल सीरियस होते कैरियर के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं भी उनमें से था, तो थर्ड ईयर तक मैंने यही किया, मैंने जिम वगैरह, पार्टी वगैरह, घूमना फिरना। फिर थर्ड ईयर में आके थोड़ा होश आया कि अब कुछ करना है, क्योंकि घर भी जाने था, मम्मी पापा से हाथ मिलाने की, काफ़ी बहुत पैसे खर्च किए थे उन्होंने। तो एक महीने में तो प्रिपरेशन होनी चाहती किसी भी उसके लिए, कंपनीज के लिए। अगर मेरा कॉलेज ऐसा था कि वहाँ कोई अच्छी कंपनी आती नहीं थी, एक विप्रो आती थी तो 3-3.5 लाख का पैकेज और वही 20,000 ही लैंड, तो उसमें किसी का गुजारा होना था नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार इससे बढ़िया गेट की तैयारी करते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विकास कुमार था, तो गेट की तैयारी कर रहा था। तो मैंने फिर उससे सारे पूछा कि भाई क्या क्या होता है डिटेल में, कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि हाँ मैं निकाल लूँगा गेट, क्योंकि एक एडवांटेज होता है कि जो IITian होते हैं Tier 1, Tier 2 कॉलेज के बच्चे, वो जनरली नहीं करते अपीयर गेट CS की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गेट CS में अपीयर नहीं करते, क्योंकि वो पहली प्लेस हो जाते हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अच्छी रैंक आ जाएगी, इसलिए मैं गेट की तरफ चले गया। ओके, सही है। मतलब गेट की तरफ जाने का ये रीज़न था कि कॉलेज में कंपनी आती नहीं थी, दोस्त कर रहा था साथ, उसके साथ कर लिया और फिर अच्छी रैंक आ गई, तो IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस मिल गई। बढ़िया यार। यार रोहित, आप ये बताओ कि आपका ऊबर का एक्सपीरियंस कैसा था, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? आई थिंक वो आपका फर्स्ट कोई इंटरव्यू था जिसमें आप अपीयर कर रहे थे, तो क्या क्या पूछा था, क्या क्या चीज़ें थी? हाँ, तो ऊबर का इंटरव्यू मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उससे पहले मैंने एक का देने की कोशिश करी थी TCS की, लेकिन मैंने खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर दिया था। तो ऊबर मेरा फर्स्ट था। जब मैं ऊबर का इंटरव्यू देने गया तो मैं थोड़ा उससे पहले थोड़ा नर्वस था, मैं उसको थोड़ा काम रखने के लिए मैंने सोचा था कि यार ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं। तो ऊबर का इंटरव्यू शुरू हुआ तो उसमें ऐसा था कि 3 राउंड थे, तो हर राउंड एलिमिनेशन राउंड था, आओ एलिमिनेट हो जाओ अगर जिसका होना वरना आगे। तो पहला राउंड था कि फेस टू फेस राउंड था, और इंटरव्यूअर ने कैमरा खुलवा रखा था, स्क्रीन शेयर थी, क्वेश्चन पूछा पहला, और उसको मुझे बोल लिखना था। तो जब पहला क्वेश्चन पूछा तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मतलब नर्वसनेस होती है फर्स्ट वाले एग्जाम के लिए। हाँ, तो मैं 5 मिनट तो मेरा पूरा ब्लैंक था, मतलब सर क्वेश्चन रिपीट करे जाते मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर 5 मिनट बाद मैंने थोड़ा सेंसेस को वापस लाया, क्वेश्चन रीड करना शुरू करा, तो क्वेश्चन वो बैटरी सर्च से रिलेटेड था उसी के, ठीक है तो थोड़ा CP टाइप का क्वेश्चन था, उसको मतलब कन्वर्ट करके उसमें सोचना था। तो मैंने कर लिया था पहला क्वेश्चन, कोड लिख दिया था अच्छे से, सर ने एज केसेस वगैरह पूछे, मैंने सब क्लियर कर दिए थे। जब पहला क्वेश्चन हो गया उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चले गया था। उसके बाद अगले 2 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, पहला क्वेश्चन मैं हार्ड कह सकता हूँ, सेकंड दो क्वेश्चन थे वो मीडियम लेवल के थे, तो दोनों ट्री बेस्ड थे, तो दोनों हो गए थे आराम से। तो 45 मिनट का पूरा टाइम था। जब वो राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद सेकंड राउंड के लिए मुझे कॉल आया, वो था मेरा सिस्टम डिजाइन राउंड,
फिर वो सेम वही फेस टू फेस। और हाँ, मैं थोड़ा वैसे इलाके से हूँ तो वहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो वहाँ मेरा बार बार कभी इंटरनेट चला जा रहा था, तो ऊबर वाले इतने अच्छे थे कि वो मेरा राउंड दोबारा शेड्यूल करा दे रहे थे रीशेड्यूल, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओके, तो मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ तो वो सिस्टम डिजाइन राउंड था, तो सिस्टम डिजाइन में लो लेवल सिस्टम डिजाइन पूछा था, तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन में तो एक क्लास दी हुई थी तो 6 फंक्शन थे तो वो करने थे, तो वो राउंड मेरा काफ़ी अच्छा गया। मतलब मैंने काफ़ी इंटरेक्ट किया सर से, कि जो भी डाउट आ रहे थे उनको बता रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वही थॉट प्रोसेस। तो सेल्स के ऊपर था वो पूरा सिस्टम डिजाइन राउंड, तो वो भी मेरा अच्छा गया। फिर थर्ड राउंड प्रोजेक्ट प्लस एचआर था, वो भी 45 मिनट का था। तो प्रोजेक्ट में सर ने मुझे मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट पूछ दिया, तो मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर बोला, तो मैंने कहा सर मैंने ये इम्प्रूवमेंट किया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ही सब बताया सर को, तो सर काफ़ी इम्प्रेस थे। फिर सर ने बेसिक एचआर के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे, तो फिर ऐसे ही था मेरा पूरा ऊबर कंटेनर। काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया। मतलब वो अपने आप को वापस लाना नर्वसनेस के बाद, पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा था फिर भी सारे कर लिए, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी सही। ऑल्सो भाई ने ब्लॉकचेन की बात करी है, ब्लॉकचेन के भी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आई बटन पर कहीं आ रही होगी, उसको जाके तुम देख सकते हो। तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज़ वगैरह चाहिए, तुम्हें सीखना है ब्लॉकचेन वगैरह क्या होता है, तो वहाँ से जाके मस्त सीख सकते हो, ठीक है यार। और रोहित भाई, तो काफ़ी सही एक्सपीरियंसेस थे, इसके अलावा कोई रिजेक्शन फेस किए अपनी लाइफ में भी, इसके अलावा कभी? रिजेक्शन ही नहीं, पहले तो जी का रिजेक्शन था गलत, कि हुआ नहीं, वो तो बहुत डिप्रेसिंग सा था कि मेहनत भी नहीं करती उस हिसाब से। फिर दूसरा मैंने जब टीसीएस का दिया था वो भी मैं रिजेक्शन की तरह लूँगा, तो ये दो रिजेक्शन हाँ मैंने देखे जो बड़े बड़े मुझे अभी तक याद आते हैं। चलो भाई, फिर भी मतलब बढ़िया है, काफ़ी मेहनत करके एक मतलब ऐसी जगह से, एक विलेज से पढ़ के एक IIT क्रैक करना, फिर एक इंटरनेशनल ऑफर लेना, कंग्रेचुलेशंस भाई। मतलब जब मैंने वो 2.404 करोड़ वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बोला था कि अगर देख रहे हो तो जरूर कम्युनिकेट करना, जरूर बात करना, एक वीडियो बनाएंगे साथ में, भाई ने रीच आउट किया तो काफ़ी बढ़िया लगा। अब लास्ट चीज़ यार, तुम्हारा कुछ लाइक सजेशंस वगैरह जूनियर्स के लिए जो या तो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक एडवाइस मैं उनको देना चाहूँगा कि पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बना दें, जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अभी आप मतलब 4-5 एक हफ्ते लीजिए, 2 हफ्ते लीजिए, पर एक प्रिपरेशन एक स्ट्रेटजी आप बना दो, उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपनी स्ट्रेटजी से बिल्कुल भटकना नहीं है, आपको बस कॉन्फिडेंस रहना है कि मेरी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती कि आप किसी टॉपर की फॉलो करो या किसी वैसे बंदे की फॉलो करो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर बस आपको कंसिस्टेंट रहना है कि हाँ मुझे ये फॉलो करना है, यही एडवाइस मैं सारे जूनियर को देना चाहता हूँ। काफ़ी सही, बिल्कुल सही। मतलब एक वही वाली बात है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी है, रोहित के लिए वर्क करी है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए करे। मतलब तुम्हें अपना पाथ खुद ही निकालना है, तुम एक बार सोच लो कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, उनको लिस्ट डाउन कर लो और फिर उनको बस करते रहो, और ज़्यादा सोचो मत, इधर उधर मत देखो, अपना करते रहो, कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाता है, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच रोहित फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफ़ी मज़ा आया बात करके। और भाई, रोहित ने अभी रिसेंटली अपना एक चैनल स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। 2-3 वीडियोज़ अभी भाई ने डाले और डालेंगे, अब US में जाने के बाद फिर और मस्त वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू निशान भाई, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। ठीक है, तो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।